मीडिया से चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इस संबंध में उन्होंने सुदर्शन गुप्ता से बात की है। उन्होंने कहा तात्कालिक उत्तेजना में कुछ कह दिया था, इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है। विष्णु प्रसाद शुक्ला पार्टी के लिए जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं, उस वक्त कोई पार्टी का झंडा लगाने को तैयार नहीं रहता था। उन्होंने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, लेकिन उस समय चूंकि कांग्रेस का शासन था इसलिए कांग्रेस ने उन्हें प्रताड़ित कर उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कर गुंडा घोषित किया था। मुझे नहीं लगता, बड़े भैया बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, उन्होंने पार्टी को बहुत खराब समय में अपना खून पसीना देकर सींचा है और मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसा नहीं करें। और मेरा ख्याल है कि मेरे बोलने के बाद, मैं राष्ट्रीय के पार्टी के महामंत्री की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद बड़े भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। विजयवर्गीय ने सभी जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया है अपने बयान के दौरान वे अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, आनंद न्यूज, इंदौर।